पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बैनर्जी, सी एम एम वत्स, डी ब्रह्म सिंह। इसका जवाब है दयाराम साहनी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? ए मोहम्मद गौरी और भीम, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। उत्तर है बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ए मुर्शिद कुली खां, बी सादत खां, सी सरफराज खां, डी अन्य। जवाब है ए मुर्शिद कुली खां। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में, डी 1865 ईस्वी में। इसका उत्तर है बी 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ए 1877 में, बी 1833 में, सी 1858 में, डी 1799 में। इसका जवाब होगा सी 1858 में। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी सूरत। जवाब है इसका डी सूरत। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, डी चंगेज खान। जवाब है बी खिलजी। मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज, डी शेर शाह। इसका उत्तर हो जाएगा ए बाजीराव पेशवा। मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्शिया, डी तुर्की। उत्तर है ए अफगानिस्तान। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ए बैरम खान और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और बैरम खान, डी अकबर और राणा प्रताप। उत्तर हो जाएगा ए बैरम खान और हेमू। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। इसका उत्तर है डी आर्य अवधि में। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? ए महिला सशक्तिकरण, बी गरीबी उन्मूलन, सी कौशल विकास, डी वित्तीय समावेशन। उत्तर है कौशल विकास। केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? ए रोजगार, बी श्रमिकों के स्वास्थ्य, सी विरासत हेरिटेज विकास, डी शिक्षा। उत्तर है विरासत विकास। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? ए 3 मई को, बी 2 मई को, सी 4 मई को, डी 1 मई को। इसका जवाब है 3 मई को। किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? ए त्रिपुरा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। जवाब है मध्य प्रदेश। किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी भारत। उत्तर है बांग्लादेश।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। उत्तर हो जाएगा दिल्ली। निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? ए कुवैत, बी पाकिस्तान, सी इजराइल, डी ईरान। उत्तर है इजराइल। केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए? ए वोटर कार्ड, बी पैन कार्ड, सी आधार कार्ड, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है आधार कार्ड। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। जवाब है हरियाणा। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए गुरिंदर चड्ढा, बी राहुल सचदेवा, सी राकेश रोशन, डी रमेश भट्ट। उत्तर है गुरिंदर चड्ढा। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहां पर आरंभ की गई? ए शिमला, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, डी सूरत। आंसर है मुंबई। निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया? ए आइडिया, बी वोडाफोन, सी भारतीय एयरटेल, डी रिलायंस जियो। उत्तर है भारतीय एयरटेल। सालरजंग संग्रहालय सला यूम म्यूजियम कहां स्थित है? ए पटना, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी लाहौर, डी सासाराम। उत्तर है बिहार के सासाराम में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम पौनर आश्रम कहां स्थित है? ए महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी बिहार में, डी गुजरात में। उत्तर है महाराष्ट्र में।